चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्वेश्चन एस टी एम टी आई दौरा लेकर के गए। आगे देखिए, हाँ बनाइए। देखिए ब्लॉकिंग कंडीशन में इधर और आपका लगेगा। अब ध्यान से देखिए एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, हाँ वो पहले जहाज पे के, हाँ ध्यान से देखिए बताएं, हाँ जो पी लेस देन इक्वल्स टू, अभी इसके पहले क्या था एम यू में था ना, एम लेस देन इक्वल्स टू यू था, इसका मतलब है कि एम या तो यू से छोटा होगा या तो एम यू के बराबर होगा, इसका मतलब वो था ठीक है, एम या तो यू से छोटा होगा या तो एम यू के बराबर होगा, ये वाला समझिए, एम लेस देन इक्वल्स टू यू आ रहा था, इसका मतलब है कि एम यू से छोटा हो सकता है या तो एम यू के बराबर होगा। चलिए इसका ध्यान से देखिए, एम से टी के पास जाएंगे तो एम से टी के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, ब्लॉकिंग, क्या मिलेगा, ब्लॉकिंग कंडीशन। एम से टी के पास जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ब्लॉकिंग कंडीशन, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एम से यू के पास जाएंगे तो एम से यू के पास जाने के लिए एम से पहले आर के पास जाएंगे, तो एम से आर के पास जाएंगे तो बड़ा मिला, फिर आर पर उतरे हैं तो आर से ही गाड़ी पकड़ के यू पर चलना पड़ेगा, तो इस आर पर उतरे तो आर से गाड़ी पकड़ेंगे, हाँ ध्यान दीजिए, एम से आर पर चढ़े आर से फिर यू पर जाएंगे, तो एम से आर के पास गए तो बड़ा और उसके बाद बड़ा बराबर, तो आर होता ही नहीं तो पूछता ही नहीं, हम पहुंच ही नहीं सकते थे, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता था, ठीक है आगे बढ़े। हाँ ये रंजन पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा आज, तुम कुछ बहुत ही डबल मीनिंग बोलता है तुम शिवम। आगे देखे बढ़े, इसमें और इसमें आंसर कौन सा होगा, ए वाला, ए वाला आंसर होगा, हाय तो हम कहेंगे कि 100% कौन ट्रू है, तीन, 100% तीन सही है, अब या तो में चेक करेंगे 100% ट्रू, उसके बाद अब आइदर और लगाएंगे, आइदर और वहां पे लगाएंगे जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों समान है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, यदि दोनों में, तुम इधर आ तो जल्दी से आओ, जल्दी से आज टॉपिक खत्म करना है, टाइम पास मत करवा जाओ यहाँ पर, आ जाओ इधर, आज किसको उड़ा दिया कि तुम डेली रुमाल बांध के आता है, ये क्या हमारा ब्लॉकिंग कंडीशन, ये मस्ती करके सबका टाइम बर्बाद करता है, आप बनाता है एक्स वाई जेड मान करके आई एज वाला क्वेश्चन आधा आधा पेज भर के, ये भी ब्लॉकिंग कंडीशन है। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही एज बढ़ गया है, घर पर बात करना पड़ेगा, अगुआ भेजना पड़ेगा इसके लिए, आगे बढ़े, ब्लॉकिंग कंडीशन अभी अर्थ लिखो, आपको चेक कर रहा है ना सर, हो गया, हाँ टाइम सबका बर्बाद कर रहा है, हटाइए इसको, ध्यान दीजिए अर्थ लिखो ना, काला टाइम बर्बाद कर रहा है, आज खत्म भी नहीं हो पाएगा, ये ब्लॉकिंग कंडीशन है, ब्लॉकिंग कंडीशन, अब देखिए सब्जेक्ट बराबर है और ऑब्जेक्ट बराबर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर रहेगा और ब्लॉकिंग कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन में इधर और लगाना है, तो इधर और लगाने के लिए दोनों जो आपका निष्कर्ष है उसमें आपको ये वाला भी मिलना चाहिए,
ये भी मिलना चाहिए और ये भी मिलना चाहिए, मतलब तीनों साइन मिलना चाहिए, बड़ा भी, छोटा भी और बराबर भी। तो चेक कीजिए, छोटा मिल गया, बड़ा मिल गया, बराबर मिल गया। तो यहाँ पर हमारा इधर और लगेगा, कहेगा इधर इधर वन और टू, क्यों? बड़ा मिल गया, बराबर मिल गया, छोटा मिल गया, तीनों सिंबल मिल गया। हाँ, ये हमारा संभावना है कि ब्लॉकिंग कंडीशन में तीन पॉसिबिलिटी, या तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, या तो बताएंगे, या तो एक या तो दो, आइदर में या तो बताएंगे, और 100% में तीन बताएंगे, या तो एक हो जाएगा या तो दो हो जाएगा। इसके पहले एम है लेस देन इक्वल्स टू यू आया था, इसका मतलब है कि या तो एम से छोटा होगा, या तो एम यू से छोटा होगा, या तो एम यू के बराबर होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। 100% नहीं बता सकते, जब 100% बताते तो या तो का लाने का कंडीशन ही नहीं था। ठीक है, हाँ आइदर लगेगा, लेकिन तीनों सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए, दो गो लगेगा तो नहीं, ये वाला और ये वाला, तीनों सिंबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दे दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, 100% तीसरा सही है, और इधर वन टू क्या होगा, फॉलो। आगे बढ़े, अभी से कॉन्सेप्ट, हर क्लास में वो पागल आ ही जाता है। ये नखरा करता है, सब आदमी का करियर बर्बाद कर रहा है। बहुत बढ़िया पीताम्बर, ऐसे ही घूमते रहो। ये भी हमारे पास बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, चार महीना आता है, आप 10 महीना गायब। ये हमारे पास नहीं भी तो ऐसे लगता है कि 4 साल पहले आया था, ये साहिल के साथ में बहुत पहले। रेगुलर नहीं रहा, नहीं तो अब तक तो कब का सिलेबस कंप्लीट हो जाता। चलिए, स्टेटमेंट ए है, कंक्लूजन ए है। चलिए, प्रैक्टिस करेंगे तब तो बनेगा, तो आप बोलेंगे कि एगो दोगो क्वेश्चन करा के ठग लेते हैं। सौ परसेंट सही है, इधर 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 करो तो जरा कपार्स आजो का वीडियो खराब करेगा। चलिए आ जाओ, आ जाओ, आ इधर 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 आ जाओ, इधर क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाओ। जा बारी राजा ने। चलिए ध्यान से देखिए, एन से एस के पास जाएंगे, मेरे को रास्ते में क्या क्या मिलेगा, बराबर बराबर, और उसके बाद ठीक है। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों में आंसर कौन सा होगा, बराबर 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 बराबर, यहाँ पे गलत गलत। आप इधर और लगाएंगे, इसके बीच में कौन सा सिंबल मिला, बराबर 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 बराबर, ठीक है। अबे इन दोनों में आंसर बराबर 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 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर बराबर नहीं, बड़ा है, यहाँ पर बराबर है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे कि इधर और लगा करके कि क्या सही है गलत। सब्जेक्ट सब्जेक्ट बराबर है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, दोनों को जोड़ लिए तो क्या मिल गया, एन दोनों को जोड़े तो क्या मिल गया, एस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि एन या तो एस से बड़ा हो सकता है, या तो एन एस के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इधर वन या टू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
ब्लॉकिंग में तीन हो, यहाँ पर ब्लॉकिंग कंडीशन नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया। अगला क्वेश्चन क्लियर है कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर वन, इधर वन, ठीक है, नेक्स्ट आगे, ठीक है, आप कोई डाउट नहीं है अभिषेक, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन गया है, बनाए हैं आप लोग ग्रुप पर, अभी पूरा टाइप नहीं पढ़े आप, पूरा टाइप पढ़ लेंगे तो खुद बनने लगेगा, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हाँ, ए बराबर बी है तो क्या मैं लिख सकता हूँ बी बराबर ए, पहले इधर समझिए, ए बराबर बी तो क्या मैं लिख सकता हूँ बी बराबर ए, लिख सकता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे, कैसे कर लेंगे, एन बराबर एस, अब इधर और लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, एन से एस बोले तो बराबर 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 आ चुका है, दोनों को जोड़ेंगे एन एस, ठीक है, या तो हो सकता है एन बड़ा हो जाए एस से, या एन इक्वल्स टू हो जाए एस के, या तो एक या तो दो अनुसरण करेगा, नहीं नहीं इक्वल होना चाहिए, हाँ अभी हमने आपको जैसा बताया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ लिखे लिखे जल्दी से लिखे, 10 मिनट में हमारा टॉपिक है, ये वाला खत्म होगा, इधर और वाला कंडीशन, हाँ बोलिए, लिखेंगे क्यों नहीं, ये समझ में नहीं आया, हाँ लेकिन बराबर रहेगा तो लिख सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि हाँ तो उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन आगे आएगा उस टाइप का, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चलिए, लिखते चलिए, चलिए कंक्लूजन, यही वाला है तो इसी पर करेंगे, हाँ चलिए बनाए तो जल्दी से, बनाइए बनाइए बनाइए, हाँ देखिए एन से एस इस, अच्छा चलिए बनाइए 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 बनाइए, बनाए बनाए जल्दी से, हो गया, पहला में इधर और लगेगा, नहीं लगेगा, आ जाओ बिट्टू बोर्ड पर बनाने के लिए, चलिए ध्यान से देखें इसमें क्या होगा, बड़ा बराबर, ठीक है, अब देखें इसमें आंसर क्या होना चाहिए, बड़ा बराबर, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, बड़ा बराबर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो छोटा बराबर बनेगा, लेकिन आंसर आना चाहिए बड़ा बराबर, तो इधर और नहीं लगेगा, और ऐसे भी गलत है, तो इसमें से कोई फॉलो नहीं करेगा, तो नन ऑफ दीज फॉलो, ठीक है, कैसे जैसे ऑप्शन दिया रहेगा वैसे लिखना, ना ही वन ना ही दो,
दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, नीचे वाला समझा रहे, हाँ ध्यान से देखिए, हाँ ये वाला पहले हमको आगे बढ़ने दीजिए। एस से एन के पास, उल्टा वाला ना समझ में आता, ठीक है, एस से आर के पास गए तो बराबर, उसके बाद फिर आर से, तो आर से इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर लेस देन इक्वल टू एन लिख सकते हैं, आर छोटा है किससे, एन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, छोटा बराबर। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे एन से एस वही वाला, आप देखिए इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, ए वाला, इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, ए वाला, हाँ इसको पलट लेंगे, एस बराबर एन तो एस इक्वल टू, ए बराबर है ना, यहाँ पर एन इक्वल टू एस है ना, ए बराबर सी है, इसका मतलब कि ए सी के बराबर है, सी ए के बराबर है, तो सी बराबर ए लिख सकते हैं, ठीक है, एस बराबर एन, दोनों बराबर है, राम बराबर श्याम तो श्याम बराबर राम, एस एन कनेक्ट हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एस छोटा बराबर एन पे, इसका मतलब है कि एस या तो एन से छोटा होगा या तो एस बराबर होगा एन पे, कहाँ पर, एस छोटा एन, एस लेस देन इक्वल, एस लेस देन एन है, यहाँ पर उल्टा गए हैं, एस से आर इक्वल्स टू, फिर आर से एन गए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर लेस देन इक्वल्स टू एन, हाँ इधर लगेगा, तो क्या कहेंगे, इधर वन और टू फॉलो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रंजन, अब आप लोग का क्लियर हुआ, या जिसके तरफ है अभी जैसे देखिए, इसके तरफ मुंह है नहीं, तो जिसके तरफ मुंह नहीं वो छोटा, जिसके तरफ, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ वैसे लिख सकते हैं, यदि आपका समझदारी है कि आर से एन के तरफ जा रहे हैं, तो एन ये जो मुंह है इसके तरफ है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो डायरेक्ट छोटा भी लिख सकते हैं, हाँ वैसे लिख लेंगे, हाँ तो यही तो हम बता रहे थे पहले भी, हाँ ध्यान से देखिए, ये पहले आप लोग शांत रहे, तो जरा ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, चलिए इसको हम बता देते हैं, जो आप बोल रहे हैं ये सभी स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो आप सीखिए, हाँ आगे बढ़े, हाँ चलिए ध्यान से देखिए, कि तुम पढ़ना का है इतना परेशान, एस से एन के पास जाना है तो ये क्या है, बराबर, आर से एन के पास गए तो ये मुंह किसके तरफ है, आर के तरफ नहीं है, आर के तरफ नहीं है तो ये छोटा है, छोटा बराबर, बस इतना सा करना है, आगे तो ये तो हम आपको डिटेल, ठीक आगे नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन और कर लीजिए, और उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, एस ग्रेटर देन भी, आई एस लेस देन इक्वल्स टू भी, कंक्लूजन, चलिए क्वेश्चन है, अभी चेंज इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी कीजिए ना, चलिए 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 चलिए, नहीं होगा कल, नहीं होगा, ब्लॉकिंग कंडीशन बहुत बढ़िया, एस से भी के पास चले तो बड़ा मिला छोटा मिला, छोटा बड़ा मिले तो ब्लॉकिंग, एस से भी के पास चलेंगे तो फिर छोटा बड़ा ब्लॉकिंग कंडीशन, हाँ ब्लॉकिंग कंडीशन में आप देखिए ध्यान से समझिए, यहीं पर बात आता है, ब्लॉकिंग कंडीशन में हमारा इधर और कैसे लगेगा, ब्लॉकिंग कंडीशन में इधर और लगाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए और कंबाइंड करने पर तीनों साइन मिलना चाहिए। बड़ा मिला, छोटा मिला, बराबर मिला, तो ब्लॉकिंग कंडीशन लग जाएगा। ब्लॉकिंग कंडीशन लगाने के लिए तीनों सिंबल मिलना चाहिए, तीनों मतलब बड़ा, छोटा, बराबर। जुट गया तो क्या कहेंगे, इधर इधर वन और टू क्या फॉलो करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए देखे तो जरा पहले जरा इसको कनेक्ट। चलिए नेक्स्ट, आगे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम करता क्या इतना देर, आई आंख से आंसू आ रहा है तुम्हारा, क्या हो गया, ये रो रहा है, ये सही में आंख से आंसू आ रहा है इस तरफ प्लस है। देखिए हाँ, ब्लॉकिंग कंडीशन है। हाँ, बड़ा छोटा से तीनों मिलना चाहिए सिंबल, बड़ा छोटा में नहीं लगेगा। हाँ नहीं, हम ये कहेंगे कि तीनों में से कोई अनुसरण नहीं करता, अनुसरण नहीं करेगा, क्वेश्चन थोड़ी गलत है, कोई अनुसरण नहीं करेगा। तुम काहे उनको परेशान करा, क्वेश्चन पूछने दो। ध्यान दीजिए, आप समझिए, अनुसरण नहीं करेगा, क्वेश्चन तो सही है ही, अनुसरण करेगा नहीं करेगा ये केवल आपसे पूछेगा। हाँ क्वेश्चन सही है, आपका अनुसरण नहीं करेगा ये आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। आगे है इसके बारा, इसके वाला आप बनाइए। तुम शांत रहेगा पहले, शिवम बारा ये बोलता है लड़का, ये आई पगलवा तो उठबे करेगा, ये थोड़ा सा हवा मिला तो सबसे पहले